बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब कैसे हैं? और आज मैं आपको जो बनाना बताऊंगी वो आज भी कैरी की, क्योंकि आजकल कैरियों का सीज़न है तो इसलिए कैरी की रेसिपी ज़्यादा बता रही हूँ मैं। तो कैरी का ये आज मैं कैरी का अचार बनाऊंगी, जिसको फिर बाद में मिर्चों में भर के हम उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो वो वाली आज रेसिपी मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं फिर कैरियों का। हरी कैरियों मतलब कैरी से अचार से भरी हुई हरी मिर्चें। तो ये मैंने पैन चढ़ा हुआ है मेरा, और इसके अंदर मैं तकरीबन जो है वो एक से डेढ़ टेबल स्पून मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। एक से डेढ़ टेबल स्पून तेल डाल दूँगी, और इसके अंदर तेल डालने के बाद ये देखेंगे ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है एक टीस्पून है, और क्या नाम है इसका नमक है वो आधा टीस्पून है, और कुटा हुआ धनिया है वो आधा, तकरीबन आधा ही टीस्पून है कुटा हुआ धनिया जो है, ये रहा कुटा हुआ धनिया है ये आधा टीस्पून है, और मेथी दाना जो है वो आधा टीस्पून है, राई दाना जो है वो आधा टीस्पून या उससे कम है, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो एक टीस्पून है, और हल्दी जो है वो भी आधा टीस्पून है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसमें डाल दूँगी, सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें डाल दूँगी मैं सब चीज़ें, तेल के अंदर डाल रही हूँ सारी चीज़ें। थोड़ा सा ये भर जाएंगी सब चीज़ें, क्योंकि आज पेस्ट को मैं कर रही हूँ, अब थोड़ा सा ये हो जाए तो इसके बाद। और ये देखिए ये कैरी है, ये कैरी है मैंने, ये तकरीबन डेढ़ कैरी मैंने ली है ये, इसको तो ये डेढ़ कैरी ली है, और ये 7 से 8 हरी मिर्चें हैं ये। तो मैं अभी सिर्फ ये कैरी डाली क्योंकि मैं अचार बना रही हूँ, तो इसलिए पहले अचार बनेगा तो इसमें मैं ये कैरियाँ डाल रही हूँ, ये इसी मसाले के अंदर मैं ये कैरियाँ डाल रही हूँ, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है हल्की आँच पर इसको रख दूँगी मैं, ये 2 से 3 मिनट के लिए ये हल्की आँच पर ये रख दूँगी मैं। ये 2 से 3 और इसके अंदर कि ये ज़रा जल्दी भी हो जाएगा, और हल्का सा ये तकरीबन जो है ये देखिए 1 टीस्पून के करीब मैं पानी डाल दूँगी बस, और इसको मैं ढक के इसको ढक के मैं रख दूँगी, इसको ढक रही हूँ मैं, इसको ये मैंने ढक दिया है। अब ज़रा हो जाए ये तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी देखिए अब ये हो चुका है, ये अचार तैयार हो गया है, तो तकरीबन ये अब मैं आपको उसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए अचार तैयार हो गया है ये, और इसको मैं अब उतार रही हूँ, उतार के इसको फिर मैं मिर्चों में भरूँगी, ये इसको मैं उतार रही हूँ अभी। ये इसको मैं उतार कर और इसको निकाल रही हूँ मैं एक उसमें बोल में निकाल कर, और फिर मैं इसको फिर मैं आपसे मिलती हूँ, इसको निकाल के फिर जब भरने लगूँगी मिर्चों में तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये अचार बन चुका है, ये अचार बन गया है। अब मैं आपको इसको मिर्चों में भर के बताती हूँ कि किस तरह से भरना है। ये मैंने सब मिर्चों में इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने सबके कर लिए, इसी तरह से खोल लिए हैं सबको, सबको बीच में से चॉप कर लिए हैं। अब इसके अंदर ये जो ये है थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से करके भर देंगे, ये इस तरह से, चाहे तो आप बीज निकाल देंगे तो फिर ज़्यादा भरा जाएगा, तो मैंने बीज नहीं निकाले हैं, लेकिन इसमें इस तरह से भर कर अच्छी तरह से अंदर, अच्छी तरह से अंदर भर देंगे इसको इस तरह से, और ऊपर से इसको दबा कर और इसको इस तरह से कर देंगे, साफ़ कर देंगे ऊपर से, ये बनाओ इसी तरह से, जैसे ये मिर्चें बनी हैं इसी तरह से मैं अब दूसरी मिर्च बना रही हूँ।
इस तरह से मैंने चॉप किया हुआ था इसका को बीच में से, और इसके अंदर ये मिर्ची इस तरह से भर देंगे इसके अच्छी तरह से अंदर, और चाहे तो बीज निकाल दें और नहीं तो फिर बीज समेत ही आप कर सकती हैं। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसमें भर के और इसको साफ करके इस तरह से साफ कर लें। पहले मैं सारी मिर्ची आपको भर के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने जो है ये मिर्चें मैंने जो है फ्राई वो भर के रख ली है, ये सारी मिर्चें भर ली हैं। और ये एक पैन चढ़ा हुआ है मेरे पर, फ्राई पैन चढ़ा हुआ है, इसके अंदर मैं फिर तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर ये ज़ीरा है जो आधा टी स्पून के करीब मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इसके अंदर। थोड़ी सी आँच मैंने तेज़ कर दी है, ज़रा सा ये हो जाएगा, ये ज़रा सा ये हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, क्या डालती हूँ इसके लिए। ये थोड़ा सा गर्म हो जाइए तो फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ये गर्म हो चुका है ये, और इसमें ये जो मैंने मिर्चें भर के रखी थी, ये वाली ये मिर्ची जो मैंने भर के रखी थी कैरी की, कैरी का जो अचार बनाया था उसकी मिर्चें मैंने भरी थी, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ, इसमें डालकर और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। ये इसको ज़रा सा मैं फ्राई कर दे रही हूँ, जब तक मैं फ्राई करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैं आपसे फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चले ही देखिए मिर्चें, देखिए फ्राई हो चुकी है मिर्चें, आपको नज़र आ रही होंगी ये फ्राई हुई हुई मिर्चें, ठीक है। अब ये जब मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं तो इसके अब ये जो मैंने ये जो अचार बनाया था, ये वाला अचार जो था जो हमने इसमें भरा है अचार, ये अचार वापस मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसको मिक्स कर दे रही हूँ, ये वापस डालकर और इसके अंदर इसको मिक्स करके और दो मिनट के लिए मैं इसको ढक दे रही हूँ। दो मिनट के लिए इसको मैं ढक देंगे, बहुत ज़्यादा मिर्चों को नहीं गलाएंगे नहीं तो वो फिर बहुत नरम हो जाएंगी मिर्चें, मगर दो मिनट के लिए इसको बस मैं ढक रही हूँ। दो मिनट के लिए इसको मैं ढक दे रही हूँ। चलिए दो मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हो चुका है, ये एकदम मज़े का लग रहा है, ये सादा चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, और कुछ भी नहीं है तो दलिया है तो रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी, तो ये बहुत अच्छा लगेगा ये। चलिए तो मैं अब इसका चूल्हा ऑफ कर रही हूँ मैं इसका, और इसको मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, मैं अभी इसको मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि ये कैसे कैसा है ये। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, मिर्चे हैं गहरी, बहुत मज़े का लगता है, बहुत दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ और रोटी के साथ, पराठे के साथ, ये सब चीज़ों के साथ। फिर आजकल गर्मियाँ हैं तो ज़्यादातर ये इसी, और फिर ये सीज़न भी है कैरी का, और उसके बाद तो फिर होगा नहीं, सीज़न कैरी का ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से ये इन्हीं दिनों ये अच्छा लगता है इसको बनाएं और इसको सबको इंजॉय कराएं, फैमिली को भी आप भी इंजॉय करें। और इसको देखिए ये देखिए आप कि ये कैरी का, ये कैरी का अचार, हरी मिर्च का और कैरी का पक्का अचार, फौरन कितने मिनट में लगे, 10 मिनट लगे इसको बनाने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिएगा। चलिए मैं चलती हूँ, फिर किसी दूसरी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।